Dear friends, myself CA Vinod Pelwani and with me CA Ashok Burani. So, जैसे आपको पता है कि टैक्स ऑडिट का पीरियड आ गया है और टैक्स ऑडिट में जो कॉमन मिस्टेक्स क्लाइंट की होती है, मिस्टेक्स हो या बाद में जो क्वेरी रेज होती है, राइट, तो टैक्स ऑडिट स्मूथली खत्म हो क्लाइंट का, तो हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि टैक्स ऑडिट का डेटा देने से पहले कुछ चेक पॉइंट्स वो अपने आप चेक कर सकते हैं ताकि उन चीज़ों की क्वेरी जो यूजुअली होती है वो ना हो। तो इस वीडियो का मेन मकसद है जो कॉमन क्वेरीज, कॉमन मिस्टेक्स और कॉमन रिपोर्टिंग पॉइंट्स जो सीए को करनी पड़ती है और उसमें क्लाइंट से इंक्वायरी होती है और उस दौरान टाइम वेस्टेज बहुत होता है, उस टाइम वेस्टेज को कैसे कम किया जा सकता है। वो ऐसे कम किया जा सकता है कि अगर आपको पहले से ही हम बता दें कि हम जनरली ये क्वेरीज पूछते हैं और वो क्वेरीज आप पहले से ही तैयार करके लाओ, तो आपको भी पता चलेगा कि ये मिस्टेक्स हमको दूर करनी है और इन क्वेरीज का मुझे आंसर्स देना पड़ सकता है या इसका मेरे को कोई एविडेंस तैयार करना पड़ सकता है। तो मेरे साथ अशोक बुरानी है और हम इस बार पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि कौन सी पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले पॉइंट चालू करते हैं। अशोक, हम पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस से। तो ओपनिंग बैलेंसेस आपने लास्ट ईयर की आपको ऑडिट रिपोर्ट को लेना है और उसमें से जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपको अपने टैली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको कंपेयर टोटल पे करना है, ज़रूरी नहीं आप एक एक लेजर चेक करो, अगर आपका टोटल टैली हो रहा है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं डेटा को। नहीं, मेरे हिसाब से एक एक लेजर भी जाएगा ना, एक अगर, लेजर नहीं, अगर टोटल टैली है हाँ, तो जनरली मिस्टेक्स नहीं होगी हाँ, पर हम आपको जनरली चेक करना चाहिए लेजर टू लेजर, पर अगर आपका टैली कंटिन्यू है तो ये मिस्टेक होने के चांसेस इसमें कम है, पर कुछ कुछ क्लाइंट में ऐसा मिस्टेक होता है जब अकाउंटेंट चेंज होता है और ऐसे हालात में ये मिस्टेक्स बनती है, तो इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। या ऑडिट के बाद जो क्वेरी लास्ट ईयर निकली थी उस क्वेरीज को उन्होंने अपने डेटा में उधर अपडेट नहीं किया तो इसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। परफेक्ट। सो पहली पॉइंट है, आपको ये चेक करना है कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस परफेक्ट हो। ठीक है अशोक, नेक्स्ट पॉइंट है टैली टर्नओवर विथ जीएसटी। हाँ, इसके बारे में बताओ। आपको जीएसटी के रिटर्न्स जो आपके कंसल्टेंट होंगे अगर उन्होंने फाइल किए होंगे तो आपको वहां से जीएसटी रिटर्न की समरी कलेक्ट करनी है। अगर आपने खुद फाइल किए हैं तो आपके पास वो डेटा होगा। तो जीएसटी में जो भी आपका आउटपुट सप्लाई गया है, जिसके ऊपर आउटपुट लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है, उसको आपको टैली के डेटा के साथ मैच करना है। और कहीं पे भी अगर डिफरेंस है तो आपको आइटम वाइज, मंथ वाइज, आइटम वाइज आपको डिफरेंस रिकंसाइल करके हमको डेटा देना है। सो जनरली यहाँ पे जो टर्नओवर सेल्स का जो टैली में है और टर्नओवर जो जीएसटी रिटर्न में फाइल में गया है, उसमें कई बार किन वजह से चेंजेस आते हैं और अगर वो चेंजेस हैं तो वो सीए को रिपोर्ट करना पड़ता है और रिपोर्ट करने से पहले उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है आपसे। तो आप पहले से अगर ये प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपका ऑडिट स्मूथली होगा। राइट, थर्ड पॉइंट है अशोक, टैली आईटीसी विद जीएसटी। जैसे सेकंड पॉइंट था वो आउटपुट लायबिलिटी थी, अब थर्ड पॉइंट जो है आईटीसी विद जीएसटी, मतलब आईटीसी इन द सेंस परचेस, और परचेस के ऊपर जो आईटीसी हमने क्लेम की है जीएसटी रिटर्न में, वो आईटीसी आपको मैच करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। मतलब ये जो क्लेम करते हैं, जो क्लेम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने क्लेम किया है, क्लेम किया है, मतलब जो परचेस 2A में दिखता है और 3B में हमने वो लिया है और वही अकाउंट्स में है कि नहीं है, हमको वो टैली करना है। परफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेरी है, अगर इसमें आपका इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है ये आप सीए के पास जाने से पहले, डेटा देने से पहले आप ये अपने लेवल पे चेक कर दें कि ये चीज़ें बराबर हैं। ठीक है अशोक, नेक्स्ट है टैली आईटीसी बैलेंस विद जीएसटी पोर्टल। ये आईटीसी बैलेंस इन द सेंस हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ बैलेंस, हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है या हमारी लायबिलिटी है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही बैलेंस है कि नहीं, वरना इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर बनता है वो और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस है
उसमें कहीं पे अगर वेरिएशन है तो हमको उसको रिकंसाइल करना है। राइट, इसलिए ये देखिए, ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ये जो आईटीसी है वो ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो परचेस में आपने लिया परचेस, और ये है क्लोजिंग बैलेंस जो आपका आईटीसी बैलेंस आईटीसी हो या लायबिलिटी हो, लायबिलिटी हो, मतलब या तो आपका बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से निकलता होगा, आपका बैलेंस पड़ा होगा, वो बैलेंस आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा होगा, या तो आपकी पेबल लायबिलिटी बनती होगी, उसके साथ ये आइटम आपको चेक करनी है, बैलेंस चेक करना है। ये आपको जीएसटी पोर्टल से मिलेगा और आपके टेली में या आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको बैलेंस शीट में देखेगा, वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको रिकंसाइल करके देना है। नेक्स्ट, अभी ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट कवर हुई, ये सिर्फ आपको टैक्स ऑडिट में नहीं, जीएसटी ऑडिट के टाइम पे भी यही डेटा रिकंसिलेशन किया हुआ आपको जीएसटी ऑडिट को भी देना है। परफेक्ट, तो वहां पे भी आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परफेक्ट परफेक्ट। सो आप ये जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी क्वेरीज कम से कम आए, और जितना आप लेट करेंगे इन चीजों में उससे आपके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, तो बेहतर है इन क्वेरीज को पहले से ही सॉल्व किया जाए ताकि रिपोर्टिंग उस तरह से हो। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक, टेली टर्नओवर एंड टीडीएस 26AS। बहुत सारी ऐसे इनकम होती है जो जिसके ऊपर टीडीएस कटता है और वो 26AS में रिपोर्ट होता है। अब 26AS में जो भी आइटम्स रिपोर्ट हुई है, आपको ये वेरीफाई करना है कि वो सारी इनकम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कम हुआ है तो इनकम टैक्स में से नोटिस आने के चांसेस है, और ऑडिटर अगर कम होगा तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट करना रहेगा। इसलिए आप पहले से ही ये रिकंसाइल कर दीजिए कि कहाँ पे कौन सी इनकम रिपोर्ट नहीं हुई है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए 26AS आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप खुद फाइल करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे 26AS, AIS और TIS इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी इनकम जो आपने, आपकी रिपोर्ट हुई है, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेड है कि नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और इंटरेस्ट जमा करता है, मे बी आपके बुक्स बैंक अकाउंट में नहीं आया, ऊपर बैंक ने वो रिपोर्ट किया हो, तो वो चीजें आपको लेनी है। या कई बार ऐसा होता है कि खास जो बिजनेसमैन जो कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेसिस पे काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनियां एडवांस पे टीडीएस काट लेती है। अब एडवांस पे टीडीएस काटा और आपने उसका बिलिंग नहीं किया, जब बिलिंग नहीं किया तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम बुक नहीं हुई और 26AS में वो रिपोर्ट हो गया। Right. अब इससे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरीज आती है कि आपने टीडीएस क्लेम किया है पर इनकम तो रिपोर्ट नहीं की है। तो ऐसी चीजों के लिए हमको पहले से ही तैयारी करनी है कि हमने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, कि हमारा बिलिंग नहीं हुआ है, हमारा टीडीएस जो कटा है वो जस्ट एडवांस पे कटा हुआ है, और इनफैक्ट वही टर्नओवर हमने जीएसटी में भी रिपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि बिलिंग नहीं हुआ है। परफेक्ट। तो इसलिए ये रिकंसाइल करना बहुत जरूरी बनता है, नहीं तो इनकम टैक्स में से सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। परफेक्ट। तो ये बहुत जरूरी चीज है रिकंसाइल करना, जिससे आपका जो क्वेरीज है वो मिनिमम हो सके। नेक्स्ट है अशोक, वेरीफाई दी कैश बुक फॉर मोर देन 10,000 रुपीज पेमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि 10,000 से ज्यादा कैश में अगर कोई पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उसको डिसअलाउ किया जाता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए कि आपने कौन से ऐसे एक्सपेंस किए हैं जो 10,000 से ज्यादा है कैश में, वो डिसअलाउ होने वाले, वो डिसअलाउ हो तो होने वाले ही है, जस्ट आप जब डेटा लेके आओ, हम जो वेरीफाई करें तो हमारा क्रॉस चेक हो जाए कि कहीं पे डिफरेंस मतलब नहीं है। फिर आपके मन में ऐसा ना हो कि ये डिसअलाउ क्यों हुआ, ये सीधा सीधा हिस्सा पे। अच्छा, ये चेक करने का सिंपल तरीका है, आप टेली में आपका, अगर आपका सॉफ्टवेयर टेली है तो टेली में आप ये क्वेरी कर सकते हैं और क्वेरी से डायरेक्ट वो 10,000 की पेमेंट जो कैश से ऊपर वाली है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है वेरीफाई जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आप जब भी डेटा किसी सीए को देते हैं तो उससे पहले आप खुद से एक बार डेटा वेरीफाई कर लीजिए, जीपी रेशियो वेरीफाई कर लीजिए। इसमें
इससे क्या होगा कि आपको कहीं पे भी अगर स्टॉक का जो आपने एडजस्टमेंट किया है कहीं वहां पे तो गलती नहीं है, कोई एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट है आपने उसको इनडायरेक्ट में ले लिया या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में ले लिया, कहीं ग्रुपिंग में कोई गलती तो नहीं कर दी, इससे क्या होगा अगर GP/NP रेशियो में ज्यादा वेरिएशन जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरी आने के चांसेस है। GP/NP रेशियो वो मतलब डिसाइड करता है कि अगर आपका जनरली तो GP रेशियो कॉमन रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी वजह से अगर चेंज है तो आपके पास उसके कारण होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए, वो रीजंस हमको रिपोर्ट करने रहते हैं SSCA के, हमको रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है ताकि कल उठ के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी आए कि ये GP रेशियो क्यों गिरा है तो उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन आप आसानी से दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट है वेरीफाइड TDS डिडक्शन रिक्वायरमेंट। अब TDS डिडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए पहले तो ये जो आइटम है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस है उसकी लिस्ट, उन एक्सपेंसेस में से कुछ कुछ एक्सपेंसेस पे TDS का प्रोविजन अप्लाई होता है। हम समझते हैं कि आपको TDS के प्रोविजन की बहुत सारी जानकारी ना हो, पर जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है या जो भी आपका TDS का रिटर्न फाइल करता है, आपका फर्ज है एक बार चेक करा लो आपका जो हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, इन हेड्स पे ये TDS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, राइट। फर्दर अशोक, फिर अगर TDS एप्लीकेबल है और आपने नहीं काटा है तो ऑडिट करने से पहले ये सजेस्ट करते हैं हम कि आप TDS कर दीजिए तो आपका डिडक्शन मिल सकता है, नहीं तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और डिडक्शन नहीं मिलेगा यहां तक नहीं स्टॉप होता है, आप TDS में डिफॉल्टर कहलाओगे तो डिफॉल्टर के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पेनल्टी के नोटिसेस, वो सब आ सकते हैं। सो इसका मतलब पहले तो अगर आप TDS एप्लीकेबल है और TDS आपने काट के जमा नहीं किया है, वो सारे एक्सपेंसेस जो टैक्स ऑडिटर है आपका, दैट इज हम, उसको डिसअलाउ करेंगे। जब डिसअलाउ करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। अगर अभी तक भी आपने TDS नहीं किया है तो आपके हित में यही है कि आप अभी भी TDS काट के इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ उसको भरवा दीजिए ताकि आपको वो एज अ डिडक्शन मिले एक्सपेंस। सेकंड, जो TDS के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लिटिगेशन की चीजें हैं, वो आप अवॉइड कर सको, राइट। नेक्स्ट है वेरीफाई पेमेंट मेड टू रिलेटिव। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जैसे कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, हम अपने रिलेटिव्स को पे करते हैं, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, हम उनको पे करते हैं। एज एन ऑडिटर हमको ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप हमको डेटा देने से पहले वेल इन एडवांस आप एक शीट बना के देते हैं कि आपके, क्योंकि हमको एक्सपेंस के लेजर में से पता नहीं चलेगा कि आपने रिलेटिव को पेमेंट किया है कि नहीं, तो बेटर ये रहेगा कि आप एक समरी शीट बना के दें कि हमारे ये रिलेटिव्स हैं, हमने इनको इनको ये पेमेंट इस तरीके से किया है और ये नेचर ऑफ एक्सपेंस है। तो हमको क्योंकि ये रिपोर्ट करना पड़ता है तो हमारी क्वेरीज में ये आगे नहीं आएगा अगर आप हमको रिपोर्ट बना के देते हैं। ये एक तरह का डिक्लेरेशन है जो हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि कई बार एक्सपेंसेस आप कैश में पेमेंट करते हो या बैंक से पेमेंट करते हो और आपने डायरेक्ट डाल दिया सैलरी तो हमको पता नहीं चलता। तो एज अ मेजर ऑफ रिकोर्स हमने क्या किया, हम आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं। तो एक तरह का डिक्लेरेशन भी है, लेजर अकाउंट से हमको जितना पता चलता है वो तो हम पूछेंगे, पर उसके बावजूद अगर आप ये रेडी रखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये डिक्लेरेशन आपको देना आसान रहेगा। ये डिक्लेरेशन CA अपने लिए एविडेंस के तौर पे रखता है कि उन्होंने सही से ऑडिट किया, कि उन्होंने आपसे ये डिक्लेरेशन लिया, और आप इस वजह से रखो क्योंकि कल उठ के ये एक्सपेंसेस आपको प्रूव करने पड़े तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस रिलेटिव को आपने ये पेमेंट दिया रीजनेबल है कि नहीं, रीजनेबल बेसिस पे वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन वर्किंग। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के कुछ अलग से रेट डिफाइन किए हुए, आपने हो सकता है आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया हो वो अलग तरीके से किया हो, वो कर सकते हो आप, पर इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन मिलता है उसके अलग से रेट्स होते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने कंसल्टेंट से CA से डेप्रिसिएशन के रेट्स मांग सकते हो, और आपको एक रिकंसिलिएशन शीट बनानी है कि आपके डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में जो फर्क है वो आपको बना के देना है ताकि एज एन ऑडिटर हमको वो रिपोर्टिंग करने में आसानी हो, राइट।
मतलब ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स में आपके रेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो और इनकम टैक्स में आपको कंपनीज है इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो उसका अलग से आपको चार्ट बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए ताकि ऑडिट में वो आसानी से ऑडिट हो सके। नेक्स्ट 12 नंबर 11 ना फिक्स एसेट, वो डेप्रिसिएशन है, ये तो बिल्स है। हाँ, ये बता दो ना। हाँ, आस्क फॉर फिक्स एसेट बिल्स। हाँ, आपको एक फाइल रेडी रखनी है, जो भी नई एसेट्स आपने खरीदी हो ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने एसेट्स में ऐड किया हो, उसका एक एविडेंस आपको ऑडिटर को देना पड़ेगा। तो ये हैंडी रखोगे तो ये काम आपका आसानी से। इसका एक रीजन ये भी है कि डेप्रिसिएशन जो मिलता है इनकम टैक्स में बेनिफिट, वो डिपेंड करता है कि आपने एसेट कब परचेज की। तो परचेज की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो वेरीफाई हो सकती है बिल से। इसलिए आपको जब भी आप कोई भी फिक्स एसेट्स में एडिशन करते हो तो उसकी बिल फाइल अलग से एक मेंटेन करके हैंड ओवर कीजिए। राइट, नेक्स्ट है अशोक, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन पेमेंट एक्चुअल पेमेंट बेसिस। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस किए जाते हैं जिसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट तब मिलता है जब हमने एक्चुअली पे किया हो। यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट मतलब पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मान लीजिए आपने 31 मार्च को कोई एक्सपेंस किया, आपके पास कोई इनवॉइस आया, आपने इनवॉइस बुक कर लिया, पर आपने उसका 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर वो एक्सपेंस आपने ऑडिट से पहले आपने कर दिया तो ही मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे बोनस दिया हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो ड्यूज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो गवर्नमेंट का है, तो आपको तभी मिलेगा जब आपने ड्यू डेट से पहले पे किया। म्यूनिसिपल टैक्सेस है, वो अगर आप पे नहीं करते तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एज अ ऑडिटर हमको उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि आप ऐसे एक्सपेंस की लिस्ट बनाएं जो आपने ड्यू डेट से पहले नहीं पे किए, ताकि हमको भी रिपोर्टिंग में आसानी हो। ड्यू डेट से पहले मतलब ये टैक्स ऑडिट के पहले भी अगर आपने पे कर दिया हो तो भी आपको एविडेंस आपको पता है। तो आपको जरूरी ये है कि आप ऐसे एक्सपेंस की लिस्ट ले लो जो पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं। ये लिस्ट आपको आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो दे सकता है कि ये कौन से एक्सपेंसेस, आप उसको बता दो अपना हेड्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आपके लेजर अकाउंट्स है उसकी रिपोर्ट बता दीजिए, तो वो बता देगा ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है। तो आपका फर्ज बनता है हर एक्सपेंसेस में जो भी टोटल एक्सपेंस है उसमें आइटम वाइज आपका कब बिल आया था और आपने कब पेमेंट किया। ठीक, नेक्स्ट है PFESI। सिमिलरली जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 12 में कि कुछ एक्सपेंस कैश पेमेंट बेसिस पे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं, वैसे PF और ESI में भी ऐसा ही है। PF में जो PF का एक्ट है उसमें ड्यू डेट दी हुई है PF आपको कब पे करना है, अगर वो ड्यू डेट मिस होती है तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता और एज एन ऑडिटर हमको रिपोर्ट करना पड़ता है मंथ वाइज कि कौन से मंथ का PF कब पे हुआ। इससे आप शीट बनाएंगे तो उससे आपको भी जानकारी मिल जाएगी वेल इन एडवांस कि आपका कौन सा मंथ का PF डिसअलाउ होने वाला है। राइट, वो ड्यूरिंग द पीरियड अगर भर दे नहीं चलता, क्योंकि PF का रूल है, जो PF की डेट है वो मिस हो गई तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। राइट, नेक्स्ट है वेरीफाई एनी लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड फॉर मोड अदर देन बैंकिंग चैनल। मतलब आपने अगर कोई लोन लिया है या उसका रीपेमेंट भी किया हो और लेने के बाद उसका रीपेमेंट किया हो या उसका आपने रीपेमेंट किया है और वो आपने बैंक के थ्रू नहीं किया है, तो ऐसे हालात में ऑडिटर की लायबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, आप ये पहले से ही प्रिपेयर कर लें कि ये पेमेंट मेरी कैश में दिख रही है, आप पहले से ही बता दें सो दैट यू बी प्रिपेयर्ड कि ये चीजें आपकी डिसअलाउ हो सकती है या रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप अपने अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट्स, इवन जो क्लोज हो गए हैं अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर भी आप क्लोज कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उनको भी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी CA की बनती है। तो आप सारे
लेजर अकाउंट इवन जो क्लोज हो गए उन सबको देखो, उसमें जो ट्रांजेक्शन हैं वो बैंकिंग चैनल के अलावा अगर कुछ है तो सीए इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक बैलेंस टैली विथ बैंक स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर रिकंसिलिएशन। आपका अगर आपका जो बैंक का बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड एज पर टैली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको वो दोनों टैली करने हैं। अगर कहीं पे भी डिफरेंस है तो आपको आइटम वाइज उसका रिकंसिलिएशन बनाना है। ऐसा बहुत बार होता है कि एट द ईयर एंड हमने किसी को चेक इश्यू किया हो या किसी से चेक रिसीव किया हो और वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अकाउंट कर दिया, एंट्री कर दी, पर हो सकता है वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आपको वो डिफरेंस जो है वो रिकंसाइल करके आइटम वाइज हमको प्रोवाइड करना है। और बेटर ये रहेगा बैंक स्टेटमेंट के साथ आप हमको बैलेंस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। बैलेंस का सर्टिफिकेट ज़्यादा ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होता है, एज एन ऑडिटर हमको उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में काम आता है। राइट, तो आप बैंक स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करें और आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस है अगर उसमें गैप है तो आपको थोड़ी ये मेहनत करनी है रिकंसिलिएशन की। नेक्स्ट है 16 नंबर। सिमिलरली जैसे बैंक बैलेंस है वैसे लोन अकाउंट के बैलेंसेस है, वो भी आपको बैंक स्टेटमेंट लोन स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करने हैं। अगर डिफरेंस है तो आप रिकंसिलिएशन बना के आप दे सकते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट है चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। राइट, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस कमोडिटी सर्विस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, जैसे कि पहले आप होलसेल करते थे, अभी आप रिटेल भी करते हैं। पहले रिटेल करते थे या आप होलसेल कर दिया, ये दोनों कंबाइन कर दिया, कमोडिटीज आपने ऐड की, सर्विसेज आपने ऐड की या डिलीट की, सारी चीज़ें एज एन ऑडिटर हमको रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कुछ चेंज आया है तो हमको वो रिपोर्ट करना रहता है। तो आपको उसका एक शीट बना के देना है कि पहले लास्ट ईयर तक क्या था नेचर ऑफ बिजनेस और अभी आपने जो चेंजेस किए वो आपको हमको इन्फॉर्म करना रहेगा। मतलब बिजनेस मॉडल में आपका कुछ भी चेंज हुआ हो, पहले आप ट्रेडिंग करते थे अभी आपका कमीशन हो गया, या कमीशन का नया बिजनेस ऐड हुआ है, या प्रोडक्ट लाइन्स आपने चेंज किए हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से जीपी पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे हालत में अगर कुछ चेंज है आप वो रिपोर्ट करेंगे तो एक तरह का जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा कि क्यों आपका जीपी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। हाँ, मान लीजिए आपका पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स चेंज हुए, कोई पार्टनर निकल गया, कोई नया आया, या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, या लास्ट ईयर तक बिजनेस जो प्रोपराइटरशिप में था उस बिजनेस को रनिंग बिजनेस को कन्वर्ट किया गया पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ऐसा कुछ भी चेंज है वो भी रिपोर्ट करना रहता है और आपको उसका डिटेल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन बिजनेस लोकेशन। चेंज इन बिजनेस लोकेशन एंड प्रीमाइसेस। जो भी फैक्ट्री नई डाली हो, प्रीमाइसिस नया डाला हो, ऑफिस डाला हो, कोई ब्रांच डाला हो, ब्रांच को डिसकंटिन्यू किया हो, ये सारी चीज़ें हमको रिपोर्ट करनी रहती है। तो आपको उसकी डिटेल विथ एड्रेस आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है और ऑडिट के साथ आपको वो देना है ताकि रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड नंबर्स। आपके जो भी रजिस्ट्रेशन हो इनडायरेक्ट, एक्साइज हो, वैट हो, जीएसटी हो, इवन एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है आपका, एक स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट में भी आपकी है, तो आपको वो सारे नंबर लिस्ट बना के देना है क्योंकि वो भी हमको एज एन ऑडिटर रिपोर्ट करना रहता है। परफेक्ट। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ डिडक्शन लाइक एलआईसी प्रीमियम, मेडिक्लेम एक्सेट्रा। हाँ, अभी फ्रेंड्स आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप एलआईसी, मेडिक्लेम इन सब का रिबेट और डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब क्योंकि आपका ऑडिट केस है तो ऑडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो जेन्युइन है और ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में वो मेंशन करना होता है, और आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो ऑडिट फाइल करने के पहले वक्त ऑडिट रिपोर्ट पहले रेफर करते हैं कि एज एन ऑडिटर ने कितना एलिजिबल डिडक्शन बताया है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो हम रिपोर्ट करेंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, और उसके बेस पे आपका टैक्स कंसल्टेंट जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो आपको उसका बेनिफिट नहीं देगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। परफेक्ट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न्स विद डिटेल कंप्यूटेशन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर अलोंग विद इंटीमेशन। लास्ट ईयर के जो आपके रिटर्न फाइल हुए हो
उसका कॉपी इंटीमेशन के साथ आपको देना रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है जहाँ पे लॉस हुआ है आपको पिछले सालों में, वो लॉस आपने रिटर्न के थ्रू कैरी फॉरवर्ड किया है, पर हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी रीजन से कुछ पोर्शन उसका डिसअलाउ किया हो, तो एज एन ऑडिटर हमको ये रिपोर्ट करना रहता है कि पिछला कौन सा लॉस है जो आप एलिजिबल हो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसके लिए एक तो रिटर्न की जरूरत पड़ेगी पिछले साल का, और रिटर्न के अलावा इंटीमेशन इसलिए क्योंकि कहीं पे गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन डिसअलाउ किया हो तो हमको उतना ही लॉस ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है कैरी फॉरवर्ड जितना एलिजिबल है, तो हमको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है ये कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पास अंडर वेट जीएसटी सर्विस एक्साइज और एनी अदर लॉ। जो भी वेट का लॉ है, जीएसटी लॉ है, एक्साइज हो आपका, उसमें कभी भी पास्ट ईयर में कोई मतलब असेसमेंट हुआ हो जिसका रिजल्ट आपका उस फाइनेंशियल में आया जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको उसमें असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी देनी पड़ेगी। आपने कोई पेनल्टी उसमें भरने का आया हो, इंटरेस्ट आया हो, टैक्स आया हो, ये सारी चीज़ें ऑडिट में रिपोर्ट करनी रहती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। आपने अगर कोई एक्सपेंस, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी क्लेम की है एज एन एक्सपेंस और असेसमेंट ऑर्डर के बेस पे, तो एज एन ऑडिटर हमको जज करना पड़ता है कि ये एलिजिबल है कि नहीं, और वो एलिजिबिलिटी हमको ऑर्डर में से पता चलता है। तब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे तो हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं। अगर आप ऑर्डर की कॉपी नहीं देंगे तो हम उसको डिसअलाउ करेंगे। परफेक्ट। और आपकी उससे टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 23 पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने 23 पॉइंट्स कवर की है, जो ऑडिटर को डेटा देने से पहले अगर आप ये चेकलिस्ट रन कर लेंगे अपने लिए, तो आपका जो ऑडिट है वो बिल्कुल स्मूथली ख़त्म हो सकता है, एंड इट कैन बी बेनिफिशियल टू योर सीए जो ऑडिटर है, और आप इस ऑडिट प्रोसेस को एंजॉय करके, कंप्लाई करके आसानी से ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। आपके और कोई भी सुझाव हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इसमें और एक बेनिफिट रहेगा, अगर क्लाइंट एज अ क्लाइंट आप अगर प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हो, तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में जीएसटी में से जब नोटिस आती है दो दो साल के बाद आती है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही किया हुआ, तो आपके पास जब नोटिस आता है तो आप उससे घबरा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करके रखा हुआ है, तो आपको उतना टेंशन नहीं रहता नोटिस का। तो फ्रेंड्स, सजेशन ये है कि ये चेकलिस्ट प्रिपेयर कर दीजिए आप अपनी फाइल में, और उसके अंदर आप ये सारी जो भी चेक पॉइंट्स हैं, जो भी आपने तैयारी की, जो भी शीट्स बनाई, जो भी एविडेंस इकट्ठा किए, वो एक पूरे साल की फाइल जो इस पर्टिकुलर ऑडिट पीरियड की है वो आपके पास रेडी रहनी चाहिए, और जब किसी ऑडिटर के पास आप जाओ तो आप ये फाइल देंगे तो आपका काम फटाफट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली। आपको और कोई क्वेश्चंस हो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, आपको क्या क्या तैयारी करनी है, तो आप बात कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो कवर करेंगे। और आगे चल के इसमें हमने ये भी दिया है, हम सजेस्ट करेंगे सीए लोगों को कि आप अपने क्लाइंट को अनेक्सस का फॉर्मेट दे दीजिए, किस तरह से कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी है। हमने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, आप हमसे डिमांड करेंगे तो हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई का, थैंक यू।